फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ कि नेटवर्किंग में यूज़ होने वाली लैन केबल आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या सामान चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए, कलर कोडिंग आपको क्या रखनी है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मितेंद्र है और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम, बात काम की। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि स्ट्रेट केबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल आपको स्ट्रेट केबल बनाना बता रहा हूँ और स्ट्रेट केबल का यूज़ कहाँ पे होता है। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं हब स्विच या राउटर से, या फिर आप अपने DVR को राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट केबल बनानी होती है। वैसे तो लैन केबल कई तरह की होती हैं और लैन केबल कितने तरह की होती हैं या फिर कलर कोडिंग क्या क्या होती हैं, ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में हम केवल एक स्ट्रेट केबल बनाना सीखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या सामान चाहिए। तो सामान में हमको क्या चाहिए, एक केबल चाहिए। इसको हम इथरनेट केबल या फिर नेटवर्क केबल के नाम से भी जानते हैं और इसका जो टेक्निकल नेम है वो कैट 5 या कैट 6 होता है। इस केस में हमने कैट 6 ई केबल ले रखी है और हमको RJ45 कनेक्टर चाहिए। ये कनेक्टर हम केबल के दोनों तरफ क्रिम करेंगे। उसके बाद हमको एक सिलिकॉन कैप चाहिए। अगर आप ये कैप लगाते हैं तो वायर की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, ये जो केबल है ये कनेक्टर के पास से ही ट्विस्ट होकर के ख़राब होती है। उसके बाद अगर हम टूल्स की बात करें तो ये हमको क्रिम्पिंग टूल चाहिए, जिससे हम ये कनेक्टर केबल में क्रिम करेंगे। और ये जो टूल है ये कई तरह के मार्केट में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको ये स्ट्रिपिंग टूल चाहिए, इसको वायर पीलिंग टूल भी बोलते हैं। अगर ये टूल आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे वायर को छीलना बहुत आसान होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हमको एक ये लैन केबल टेस्टर चाहिए, जिससे हम ये चेक करेंगे कि जो हमने केबल बनाई है ये बनी है प्रॉपर कि नहीं। और इसकी जगह आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो वो भी आप वायर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको सामान क्या चाहिए, टूल्स क्या चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए समझते हैं कि केबल को बनाना कैसे है। तो देखिए, केबल को बनाते समय आपको एक बात बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर आप सिलिकॉन कैप का यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप पहले वायर में डाल लीजिए, क्योंकि जनरली हम इसको डालना भूल जाते हैं। तो मैं इसको पहले ही इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद आपको वायर छीलना है। अगर आपके पास स्ट्रिपिंग टूल है तो बहुत ही आसान है। देखिए, आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है और बस ये वायर छिल जाएगी। तो ये टूल आपको वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा जहाँ आपको नंबर ऑफ केबल्स ज़्यादा बनानी है। वैसे तो आप वायर छिलने का काम ये क्रिम्पिंग टूल से भी कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट में ब्लेड दिया हुआ होता है वो स्ट्रिपिंग के लिए ही दिया हुआ होता है। और जब आप वायर छील लेते हैं तो आप देखेंगे आपको इसमें 4 पेयर केबल मिलेगी। देखिए, 4 पेयर केबल आपको इसमें के अंदर मिलते हैं जो कि आपस में ट्विस्ट हैं। इसमें आपको कौन कौन से कलर मिलते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन, और इनके साथ इनका वाइट कलर भी है। वो पता कैसे चलेगा, जब आप इनको अनट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे वायर में एक लाइन चल रही है ऑरेंज की, ऐसे ही ब्लू में भी चल रही है। तो इस वायर को हम ग्रीन वाइट बोलते हैं और ऑरेंज के साथ जो है जिसमें ऑरेंज लाइन पड़ी हुई है इसको ऑरेंज वाइट बोलते हैं। ऐसे ही ब्लू वाइट और ब्राउन वाइट आपको 8 केबल मिलेंगी। तो इन सभी केबल को आपको सीधा करना है। तो इसको पहले हम अनट्विस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो PVC आपकी एक दिख रही है बीच में और थ्रेड दिख रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं क्रिम्पिंग टूल की सहायता से। ये हमने दोनों चीज़ कट कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, इन वायर को सीधा करना है। तो इसके लिए आप पेन पेंसिल या किसी टूल का यूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ा आप जेंटली कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से आप खींचेंगे तो ये केबल जो है ब्रेक हो सकती हैं। तो ये देखिए, अभी वायर हमारी सीधी हो चुकी हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक कलर कोडिंग बनानी है, जिसमें ऑरेंज वाइट को हम सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट के बाद ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट और ब्राउन, कुछ इस तरह की कलर कोडिंग बनाएंगे हम। और इसको हम एकदम सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आप कलर कोडिंग बना लीजिए। और जो हम कलर कोडिंग यूज़ करेंगे वो है T568B। और एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ये वायर है ये
एक वाइट और एक कलर की होनी चाहिए। अगर दो वाइट दो कलर एक साथ हो गए हैं तो वो गड़बड़ है, तो आप एक तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं बस, और इस वायर को एकदम सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है स्टैंडर्ड जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी हम कनेक्टर में अंदर इंसर्ट करेंगे। देखिए इसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद आपको RJ45 कनेक्टर लेना है, और ये जो लॉक होता है इसका, इसको आपको नीचे रखना है। और कनेक्टर के जब आप लॉक को नीचे रखते हैं तो ऊपर पिन नंबर 1 होती है और नीचे पिन नंबर 8 होती है, तो हमको इस वायर को ऐसे डालना है। पिन नंबर 1 में ऑरेंज वायर इंसर्ट होगा, देखिए इस तरह से इंसर्ट कर देना है, और इसको पीछे से पुश करना है अच्छे से। पुश करके आपको आगे से ये चेक करना है कि आपको यहाँ पे सारे वायर्स दिखने चाहिए। अगर कोई भी एक वायर अगर एंड तक नहीं पहुँचेगा तो वो कांटेक्ट नहीं होगा अच्छे से पिन के साथ, और आपकी जो नेटवर्किंग है वो फेल हो जाएगी। इसलिए आपको इसको चेक करना है क्रिम करने से पहले कि सामने सारी वायर दिख रही हों, तो इसको अच्छे से आपको आगे पुश कर लेना है। पुश करने के बाद आपको क्रिम्पिंग टूल लेना है और लॉक को आपको नीचे रखना है। ये जो लॉक है ना इसका RJ45 कनेक्टर का, इसको नीचे रखेंगे और कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखिए टूल में हम कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। एक लॉक की आवाज़ आती है इसमें, तो इसको आप जेंटली कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है और कम भी नहीं लगानी है। तो आप इसको इस तरह से क्रिम कर लेंगे। देखिए ये हमारा कनेक्टर क्रिम हो चुका है। उसके बाद हमको ये जो सिलिकॉन कैप है ये ऊपर लेके आनी है और कनेक्टर इसके अंदर इंसर्ट करना है। इसी तरह से हम दूसरा सिरा ही बना लेंगे जो कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों कनेक्टर्स की कलर कोडिंग सेम होनी चाहिए। अब हमारी ये पैच केबल जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसको पैच केबल इसलिए बोलते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड 1.5 से 2 मीटर की होती है, और इसका हम यूज़ क्या करते हैं, IO बॉक्स से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आप राउटर आपके DVR के पास ही रखा है तो आप एक ऐसे पैच केबल बना लीजिए और DVR को आप कनेक्ट कर सकते हैं राउटर से। और ये जो मैंने कलर कोडिंग आपको बताई है ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी काम करती है। तो अभी हमारी केबल तो बन चुकी है, अब पता कैसे चलेगा ये केबल सही बनी है या कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है, या फिर ये जो हमारा कनेक्टर है सही से क्रिम्प हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी के लिए मैंने ये टूल आपको बताया था। तो देखिए इसका यूज़ करने का तरीका, एक सिरा आपको इसमें लगाना है और दूसरा सिरा आपको इस वाले इसमें लगाना है, और इसको हम ऑन करेंगे तो अभी आप देखेंगे सभी नंबर के सामने LED जलती रहेगी। तो अगर इनमें से कोई भी एक LED नहीं जलती है या ब्लिक नहीं करती है, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी केबल सही बनी नहीं है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से दोबारा क्रिम करना है या फिर कनेक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। 4 नंबर की इसलिए नहीं जल रही क्योंकि मेरे टूल्स में प्रॉब्लम है, इसमें 4 नंबर की LED ख़राब है। और वैसे तो ये हमारी सारी जो नंबर्स की केबल्स हैं वो सब पे लाइट जल रही है, यानी कि हमारी ये केबल सही बनी है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो उसको लाइक और शेयर करें। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।